हिमाचल सरकार ने सभी दुकानों और अन्य संस्थानों को 31 मई से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यालय 30% उपस्थिति के साथ कार्यशील रहेंगे। केवल 4 कर्मचारियों वाले स्टैंड अलोन कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। ये निर्णय भी लिया गया कि दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खुली रहेंगी। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन भी आगामी आदेशों तक निलंबित रहेगा। 31 मई को सुबह 6 बजे से 7 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी होने वाले अतिरिक्त निर्देशों के अलावा सभी प्रतिबंध एवं छूट पूर्व में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेंगी। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। अभी तो कर्फ्यू तो जारी रहेगा, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन हमने विचार की है, उस बारे में हमने निर्णय किया आज। और उसमें प्रमुख रूप से जो दुकानें बंद हैं, अभी तक दुकानें बंद हैं, तो व्यापार मंडल का अलग अलग प्रतिनिधि मंडल हमको मिला है और उन्होंने कुछ बातें उसमें कही है सुझाव के रूप में, आग्रह के रूप में। तो उनकी बातों को भी सुना हमने। सुनने के बाद हमने इस बात पर विचार किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाए। कठिनाई का दौर तो है ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने निर्णय किया कि अब 31 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। एक तो उस पर हमने ये निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं किए हैं। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय उसमें उस दृष्टि से लिए हैं। और बाकी रिस्ट्रिक्शंस एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि कोविड के मामलों में हिमाचल में हमने देखा कि गिरावट तो काफ़ी आई है। 40,000 से अब एक्टिव केस का नंबर हमारा मेखल में 20,000 तक आ गया है, और 20,000 आने के बाद इससे मालूम पड़ता है कि हम काफ़ी हद तक जो है उसमें ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक फिर भी जो डेथ हो रही है वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अभी तक रिलैक्सेशन इससे ज़्यादा देना अभी तक संभव नहीं। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा सर? अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ये तय किया है कि इसका निर्णय 5 की कैबिनेट में करेंगे सर। और मेरे ख्याल में 9 बजे से 2 बजे तक वो समय रहेगा। और उनने भी इसी तरह से ही मांग की थी, मोर और लेस ज़्यादातर सभी लोगों ने इसी तरह से मांग की थी, उस पर उसके हिसाब से सारा रहेगा।